नमस्कार, बड़ खबर को स्वागत करुछि मु अर्धेन्दु दास। क्षमता जहर कहिथिले राहुल गांधी, एकथा तांको कहिथिले तांको मां, किंतु सेई क्षमता पछरे घुरी भुले राजनीति आउ ताकु पाइबा पई सबु राजनीतिक दल तयारी करंते रणनीति। लाभ क्षेत्र हिसाब निकास उपरे छिडा हुए मेंटो, पुणि सेई हिसाब निकास को नै भांगी जाय मेंटो, किंतु गोटे कथा सत आउ ताहला सबु दल क्षमता जहर को पीबा पई प्रस्तुत। बिहार रे मध्य क्षमता पई नीतीश ओ लालू एकाठी होइछंती। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री प्रार्थित्व उपर मोहर लगी। जनता परिवार मुखिया मुलायम सिंह यादव घोषणा पर लालू वर्तमान पर स्वीकार कर नहीं, खाली स्वीकार करना। लालू मध्य सेकुलर कार्ड खेल चेष्टा कर आमे सांप्रदायिकवाद शिकार, क्षमतार अठा केते दिन जनता परिवार को एकाठी रखिपार ता तो निश्चित भाव गोटे बड़ कथा। कि प्रश्न बिहार रे जनता परिवार एकाठी होती ना गोटे कामचला मेट तैयारी जार मुख्य लक्ष्य होची बिहार रे बीजेपी को रोकिबा। आ बीजेपी कहूची किछि हेबनी, कारण से माने केही कहारे की विश्वास करंत नै। तबे लालू दंभावरी कहिछंती जे जहर पीबु पछे दिल्ली रो साप को मारिबु। सेपटे आंध्र और तेलंगाना रे दुई मुख्यमंत्री कैश फॉर वोट स्कैम रे छंदी हि पड़िछंती। आंध्र रे तेलंगाना मुख्यमंत्री के विरोध रे एफआईआर दायर होईची। एतरो चलंतु खबर भितर को। नीतीश कुमार हेबे बीजेपी विरोधी मेंटर मुख्यमंत्री प्रार्थी, यहा उपरे आज जनता परिवार ऑफिशियल मोहर लगाई। मेंटो मुखिया मुलायम सिंह यादव यही घोषणा करिछन्ते, जहाँ लालू निज ढंग से समर्थन करिछन्ते और कहिछन्ते बिहार रु बीजेपी को निर्वासित करिबो। नीतीश हेबे बिहार रे जनता परिवार रो मुख्यमंत्री प्रार्थी। किछि दिनर बयान युद्ध परे आज एहा उपरे मोहर मारिछंती परिवार मुखिया मुलायम सिंह यादव। परिवार मुखियांक बैठक रे नीतीशंक ना रखिथिले लालू, जहाकु बाकी सदस्य समर्थन करिथिले। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी एकता, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार के, और लालू जी और नीतीश कुमार जी सर यादव और भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, रावपाल भी जाएंगे, और हम लोग कंपेन करेंगे, प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री पद पर लालू और नीतीश के मध्य चली छाया युद्धर आज अंत घटी। लालू नीतीश के सपक्ष में खोलाखोली जुक्ति जे आमे दिने एकाठी सांप्रदायिक शक्ति विरोध में लड़ू आवे लोग ईमानदारी से सब लोग रहे, उससे कोई हम लोग को परहेज नहीं है। कांग्रेस के साथ ही हम रहे हैं, एनसीपी को भी हम जीता के भेजे, कांग्रेस को भी जीता के भेजे। आप हाल ही में लेफ्ट है और जो भी साथ रहे हैं, बहुत तो आवे तो आवे, नहीं तो आना चाहिए। लालू आज सेक्युलर कार्ड खेली, बीजेपी को रोकिबा पाई से केते कौन त्याग करिछंती तार उदाहरण देइछंती। एहा सह से बिहार रु बीजेपी को विदा करिबा पई दलीय कर्मी को आह्वान मध्य करिछंती। बिहारी भाइयों सब एक हो जाओ, हम एक हैं और एक होकर के हम इनका हम दिल्ली से पूरा दिल्ली माने पूरा हम बिहार से इनका विदाई करेंगे। हवा ऐसा बहेगा इस बार कि इस हवा में ओसौनी हो जाएगा भाजपा का जो जन विरोधी सरकार है। जन विरोधी ही नहीं, किसान विरोधी सरकार है। नौजवानों को वादा करके बदल गया, दगा देके बलम हुआ बदल गया, ये भोजपुरी बगाता। तो ये सब लोग जुट करके हम मुकाबला करेंगे। बिहार रे आज नीतीश और लालू को दिल मिली छी, तबे केऊ दल को केते सीट मिलिबो से नै किछि मध्य निष्पत्ति निया जाई पारि नाही। किंतु लालू को कथा को जदि विश्वास करा जाए तबे एहा किछि बड़ कथा नुहे, कारण हृदय मिलिला परे भाग बंटा बड़ कथा नुहे। और जहाँ तक सीटों का सवाल है, तो सीट के सवाल पर जब दिल मिल गया तो दिल मिल गया तो हम लोग बैठ करके सीट भी कौन मोर्चा पर कौन साथी रहेगा, कोई दिक्कत कहीं हुई तो माननीय मुलायम सिंह जी शरद जी हैं, हम लोग हैं, नीतीश है, उस स्तर पर शॉर्ट आउट हो जाएगा। बिहार महाभारत रे एकाठी होइछंती पुरुणा दिनर शत्रु। दिने लालू और नीतीश थिले दुई विरोधी शिविर प्रतिद्वंदी, एबे किंतु नुआ राजनैतिक समीकरण सेमानंकु हात मिलाइबाकु बाध्य करिछि। क्षमतार अठा दुई विरोधी को पूर्णी पाखकु आनिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7।
नीतीश नाँ बीजेपी विरोधी मेंट निर्वाचन लड़ब एक खबर को नहीं मोदी विरोधी शिविर खुशी अच्छी। बिहार में नीतीश सरकार को समर्थन देउथवा कांग्रेस नीतीश नाम घोषणा को स्वागत करी। कांग्रेस आशा करी जे एकाठी लड़िले बीजेपी बिहार में पराजयर मुह देख। तेज आसन शुणा कौन कहूँ कांग्रेस। कांग्रेस तो बहुत साफ पहले से कहती रही, कर भी दिया है, कहा भी हमने कि स्वाभाविक रूप से जो मत सेकुलर है उनके विभाजन को रोकने के लिए मौका देने की जिम्मेदारी उन दलों राजनीतिक की है जो अपने को सेकुलर कहते हैं। तो वहां नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव जी एक बड़े राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी वहां पर स्वाभाविक रूप से समर्थन दे रही है नीतीश कुमार को। तो हमारी अपेक्षा तो यही होगी, हमारी शुभकामनाएं भी यही होगी कि वहां किसी तरह सेकुलर मतों के विभाजन रोकने के लिए सब एक मंच पर आए और भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो चुका है, अब वो इस देश की जनता की पसंद नहीं रही। नहीं, बिहार में हमारी कोशिश है कि हम सारे धर्मनिरपेक्ष ताकतों से मिलकर एक ऐसे गठबंधन दें जो बिहार में सबको साथ ले चलने की बात करेगी। कल जैसे कि आपको जानकारी है राहुल जी ने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी, वैसे ही हम जितने बाकी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनसे बातचीत करके एक ऐसा ही गठबंधन देना चाहेगा जो सबको साथ ले चले और इसमें जैसे हमें सफलता बातों में मिलेगी आपको अवश्य उसकी जानकारी दें। लालू नीतीश कुमार को नेता भावे मानी यह किसी छोट कथ नुहे, कारण विगत दिन में नीतीश ही थे लालू प्रधान राजनीतिक शत्रु। नीतीश ही लालू और तांका परिवार को क्षमता बेदखल करते सेतेबेले नीतीश थे एनडीए शिविर रे, एबे किंतु नीतीश कांग्रेस गुड बुक रे अछंदी जहां लालू को पई खराब खबर। लालू जहर पीछंती बिहार को बीजेपी मुक्त करिवा पई एहा हेउछि लालू को कुर्बानी। नीतीश को नेता भावे मानिबा लालू को पई जहर पीबा थारु किछि कम नहि, कारण ये सही नीतीश एवं जॉर्ज फर्नांडिस को जोड़ी थिला जे तांको कब्जारु बिहार को छड़ाई नहीं थिला। अवश्य बीजेपी रो भी एथिरे योगदान थिला, किंतु लालू को पाई नीतीश थिले गृह शत्रु विभीषण। एबे लालू कहुचंती जहर पीबू किंतु बीजेपी को बिहार रु विदा करिबू। हम विश्वास दिलाते हैं भारत के लोगों को, सगुर ताकतों को कि हम ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूट पीने को तैयार है, हम सब तरह का जहाज पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को संप्रदायिक फन है जो स्नेक है जो गेहूं सांप है इसको हम कुछ लेंगे और हर तरह का हम लोग कुर्बानी दे रहे और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। 20 वर्ष भीतर बिहार राजनीति में बहुत किछि बदलिछि। 2005 रे सुशासन बाबू नीतीश कुमार कुशासन बाबू माने लालू को क्षमतारू बेदखल करिथिले। एबे 10 वर्ष परे सुशासन बाबू और कुशासन बाबूंकर हृदय मिसिछि। एहा पछरे अछि 2014 रो महापराजय। पराजयरु दुई धुरंधर गोटिए कथा सिखिथिले जे बिहार रे बीजेपी रो दिन आसी सारिछि आउ बीजेपी को रोकिबाकु हेले एकाठी हेबाकु पड़िबो। तेणु दुई विरोधी एबे एकाठी होइछंती आउ बिहार विधानसभा निर्वाचन रे एकाठी भोट मध्यम मागिबे। दिने लालू को शासन को नीतीश कहुतले जंगल राज, एबे सही लालू नीतीश को सह तांको पुरुणा संपर्क कथा कहुछंती, अवश्य सेथिरु से तिक्तता कथा को बात देइछंती। नीतीश तो मुख्यमंत्री है, समर्थन जारी है, बीच में हमारे सामने आया कई लोग बोलते रहे कि आप जैसे जीतन माझी कि आप नीतीश को भी गिरा दो और हमको नेता मान लो तो हम आपके साथ आ जाएंगे, तो हम उस फंदा में हम बेवकूफ नहीं है, पढ़ने वाले नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जो हमारे परिवार के हम लोग के रिश्तेदार भी हैं और सब इस परिवार के हेड और मुखिया हैं, इनको हमने देखा कि तरह तरह की जो भ्रांति फैल रही है देश में, भ्रम हो रहा और जो सड़ा सड़ा आदमी है बीजेपी के साथ जो लाई भी है वहां पर बिहार का कुछ बिछाओ न सोता हुआ भी आदमी कमेंट पास कर रहा है, ये मिल ही नहीं सकते, ये इकट्ठा हो ही नहीं सकते, ये कुछ हो ही नहीं सकते, तो सारे लोगों को हम लोग आज करें। बिहार निर्वाचन को मोदी विरोधी मेंटर परीक्षा भावे देखा जाऊँ,
କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାହା ହେଲା ମୋଦି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟରେ କାହା କଥା ଚାଲିବ, କିଏ ହେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନେତା, ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଲୁଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିବ। ଲାଲୁ ବିଚଳିତ ହେବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଘଟିଯାଇଛି, ତାହା ହେଲା ନୀତିଶ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାକ୍ଷାତ। ଲାଲୁଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ 2004 ପରଠାରୁ ସୁଧୁରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ରାହୁଲ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଲାଲୁ ନିଶ୍ଚୟ ହଜମ କରିବେନି, କାରଣ ଏମିତି କରି ରାହୁଲ ସଙ୍କେତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏବେ ନୀତିଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କଂଗ୍ରେସ ଲାଲୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନୀତିଶଙ୍କ ଉପରେ ବାଜି ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମାନେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଲାଲୁଙ୍କ ଜହର ପିଆ ଏବଂ କୁର୍ବାନୀ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଲାଲୁ, କାରଣ ଲାଲୁ ନିଜେ ନୀତିଶଙ୍କ ନାଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ, ଏହା ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ନୀତିଶଙ୍କ ନଜରରେ ଲାଲୁଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ବିଜେପି। ବିହାର କି ଜନତା ନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ କି ମୁକ୍ତି କେ ଲିଏ ବିଜେପି ଔର ନୀତିଶ କୋ ଉହାଁ ବହୁମତ ଦିଆ ଥା, ଲେକିନ ନୀତିଶ ବାବୁ କା ଜୋ ଅତି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ହେ ରାଜନୈତିକ, ସାୟଦ ବିହାର କି ଜନତା କେ ହିତୋଁ ସେ କହିଁ ଜ୍ୟାଦା ଉନକୀ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରହି, ଇସଲିଏ ଚଲତି ହୁଇ ସରକାର କୋ ଗଠବନ୍ଧନ ତୋଡ଼ା ଔର ଜିନସେ ବିହାର କୋ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ସେ ମୁକ୍ତି ଦିଲାଇ ଥି। ଆଜ ନୀତିଶ ଜୀ କେ ଏକ ହାତ ମେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ହେ ଔର ଦୂସରେ ହାତ ମେ ଘୋଟାଲେବାଜ ଜୋ କଂଗ୍ରେସ ହେ ଓ ହେ ଔର ଦୋନୋ କୋ ଲେକର ଓ ସୁଶାସନ କି ଦୁହାଇ ଦେ ରହେ ହେଁ। ଅପନେ ଆପ ମେ ହିଁ ବିରୋଧାଭାସୀ ହେ, ଏକ ତରଫ ଆପ ସୁଶାସନ କି ବାତ କର ରହେ ହେଁ ଔର କୁଶାସନ ସେ ଆପ ଘିରେ ହୁଏ ହେଁ। ଚୁନାବ ସେ ପହଲେ ହି ପରାଜୟ ଉନ୍ହୋନେ ଅପନି ସ୍ୱୀକାର କର ଲି ହେ। ବିହାରରେ ମୋଦିଙ୍କ ରଥକୁ ରୋକିବା ମହାମେଣ୍ଟର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି ବିଜେପି। ଜନତା ପରିବାରର ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହା ମାନୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, କାରଣ ବିଜେପିର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ନେତା ପଦକୁ ନେଇ ଜନତା ପରିବାର ଭିତରେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ବିଭାଜିତ ହେବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନୀତିଶଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରୁଥିବ, କାରଣ ବିହାରରେ ଭୋଟ ହାର ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଯାଏ ତେବେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ କାହିଁକି ବିଜେପି ଲାଲୁ ଯାଦବ ଭିନ୍ନେ ହୋଇ ରହିବା ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ପାଇଁ 2014 40 ଯେଉଁ ଆସନ ପାଇଥିଲା ବିଜେପି, ଯାହା ପାଇଥିଲା, ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ଯେ ବିହାରରେ 2014 40 ଲୋକସଭାରେ NDA ପାଇଥିଲା 31 ଆସନ ପାଇଥିଲା, ବିଜେପି ପାଇଥିଲା ସେଥିରୁ 22, LJP 6 ଏବଂ RSP 3 ଆସନ ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆରପଟେ ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସ RJD JDU ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର 8 ଆସନ 40 ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଥିଲା 29.4% ଭୋଟ, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟ ଥିଲା, ଏବଂ LJPକୁ ମିଳିଥିଲା 6.4% ଭୋଟ, ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ଲସ୍ର ଭୋଟ ସେୟାର ଥିଲା 35.8%। ଦେଖିବା RJDକୁ ମିଳିଥିଲା 20.1% ଭୋଟ, JDUକୁ 15.8% ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା 8.4% ଭୋଟ। ଏବଂ ସବୁକୁ ଯଦି ମିଶାଇବା ଆମେ, ପରିବାର ପ୍ଲସ୍ ଭୋଟ ସେୟାର ଥିଲା 44.3% ଭୋଟ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, 16% ମୁସଲିମ ପ୍ଲସ 15% ଯାଦବ ଭୋଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଲାୟମ ସିଂଙ୍କ ଭୋଟ ବୋଲି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ 10% ମହାଦଳିତ ପ୍ଲସ 3% ଯେଉଁ କୁର୍ମୀ ଭୋଟ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଭୋଟ। ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଯଦି ସେମାନେ ଫୋକସ୍ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଇକ୍ୱେସନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। 1990 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ସାମାଜିକ ଅଙ୍କ କଷାଯାଉଛି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଲାଲୁ ନୀତିଶ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏକାଠି ଭଲ ଫାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବିହାର ଦିଲ୍ଲୀ ନ ହେବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତିନି ଦଳଙ୍କ ଭୋଟ ସେୟାର ଯଦି ମିଶେ ଓ କିଛି ନୂଆ ଭୋଟର ଯଦି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ପଟୁ ଛିଟକି ଆସନ୍ତି ତେବେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ବିଜେପି ଡରୁଛି। ବଡ଼ ଖବର ଏଇଠି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା କ୍ୟାଶ ଫର୍ ଭୋଟ ପାର୍ଟ 2। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଶ ଫର୍ ଭୋଟ ସ୍କାମରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ନାଁ ଅଡିଓ ସିଡି କାଣ୍ଡରେ ଉଠିବା ପରେ ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସି ରାଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଧ୍ରର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର କ୍ୟାଶ ଫର୍ ଭୋଟ ସ୍କାମରେ ତଦନ୍ତ ଘେରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ବିଭିନ୍ନ ତେଲୁଗୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଅଡିଓ ସିଡିରେ
मुख्यमंत्री मनोनीत विधायक स्टीफेनसन को भोट देवाई अनुरोध करा तथाकथित सीडी स्वर चंद्रबाबू नायडूंर बोली दावी करा जाउछि। जहाँ मुख्यमंत्री नायडू अस्वीकार करछन्ति। अन्य पक्षरे टीडीपी रा अभियोग जे मुख्यमंत्री को बदनाम करिबा पई एहा हेउछि तेलंगाना राष्ट्र समिति रा षडयंत्र। एमएलसी इलेक्शंस के बारे में टीआरएस पार्टी जो है दे हैव मैनिपुलेटेड पूरा इसको तैयार करके एक हफ्ते से बोल रहे हैं हमारे पास टेप्स है बोल रहे हैं। वो लोगों से हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको 63 एमएलए रहे तो आपको 85 वोट कैसा आया, आप बताना पड़ता। 22 वोट ज़्यादा आया उनको, उनका स्ट्रेंथ 63 था, दे गॉट 85 वोट्स। टीआरएस पार्टी एक्सप्लेन करना पड़ता इसके बारे में, और टीआरएस का जो भी काम है ये मैनिपुलेशन है। लोग पूरा समझते हैं टीआरएस के पार्टी का गलत रास्ता जो अपना है वो गलत है, और उनको सबक सिखाएंगे। सर सीएम साहब का क्या अगर नाम ऐड करते हैं एसीबी तो फिर आपकी मेरे ख्याल से नहीं करते, क्योंकि ये कोर्ट में नहीं टिकता। कोर्ट एक जुडिशियल स्टैंड लिए तो कोई लॉ में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दूसरा स्टेट का चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन टैप करना वो अगेंस्ट टेलीग्राफिक एक्ट है, अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, वो नहीं कर सकते, करे तो भी गलत है, उनके खिलाफ केस बन सकता। कैश फॉर वोट्स काम रे आंध्र मुख्यमंत्री का नाम आसीबा परे एबे एहा दुई राज्य मध्यरे विवादर कारण पलटुछि। आंध्र प्रदेश रो दुई जना मंत्री तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को विरोध रे थाना रे मामला दायर करिछन्ति। विशाखापट्टनम रे मामला रुजु होईछि। सेमानंगर अभियोग जे बेआईन भाबे आंध्र विधायकन को फोन टैपिंग करा जाइछि जहां पछरे चंद्रशेखर राव को हाथ अछि। तबे कांग्रेस एही मामला रे बीजेपी को घेरिछि। केन्द्र रे टीडीपी एनडीए सरकार रे अंशीदार अछि। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था इलेक्शन में कि हमारे सर जब हम सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म हो जाए। अभी तो शुरुआत हुई है, सरकार ने जो जो इन्होंने वादे किए थे उसके खिलाफ सारा निर्णय उन्होंने लिया है। ये ऐसी सरकार है कि जिसके मंत्रालय जितने मंत्री हैं 30% में उनपे खुद चार्जेस क्रिमिनल केसेस हैं, तो ये कौन सी बात करती है कि इस देश में भ्रष्ट मुक्त सरकार हम देंगे। अब तो उजागर है क्या क्या होना हो रहा है, और अगर आरटीआई को सीवीसी को सीआईसी को ये मजबूत करें तो क्या क्या एक साल में इन्होंने गुल खिलाया है ये देश के सामने अवश्य आ जाएगा। किसी दिन तले टीडीपी रो जने विधायकों को वोट पे लांच देबा बेले धरा जाइथिला। आंध्र प्रदेश सरकार एही मामला को खारज कर दी। अन्य पक्ष रे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को इस्तीफा दाबी जोर धरले। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। आंध्र खबर चलंतु पुणी फेरिबा बिहार खबर को। जनता परिवार नीतीश का नाँ में मोहर मारी लालू मध्ये कहिछन्ति जहर खाइबु किंतु बीजेपी को विदा करिबु। त मेंट को नहीं लालूं का परिवार सदस्य तथा शाळक पप्पू यादव कौन कहउछन्ति, कारण एबे शाळा और भिणे अलग कैंप रे अछन्ति। एमसी क्या अनाउंस करते हैं, मुलायम सिंह का दिल जानता है, वो दिल से नहीं चाहते हैं। यदि मुलायम सिंह अनाउंस करते हैं तो मुलायम सिंह यादव अपने पार्टी में क्यों नहीं मिलने दिया, वो कौन पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसलिए ये सब कुछ नहीं है, ये सब खाली टीवी में पेपर में आने का एक बहाना है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं, मान लो हम लोग चुनाव के बाद क्या कहते हैं, ये सारा चीज मामला हम लोगों ने छोड़ दिया है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में जो निर्णय करेंगे हम लोग को मान्य होगा। यदि इतने ही जीतने का घमंड है तो अकेले लड़ लेना चाहिए इन लोगों को, इन लोगों का कुछ नहीं है तब तो गठबंधन के लिए दोनों परेशान है। 15 साल 10 साल रहे, अकेले लड़ लीजिए, आपको बुखार है या नहीं है तो थर्मामीटर तय करेगा ना। तो लालू जी आपके पास पूंजी पगा है कि नहीं है तय तो चुनाव करेगा ना, जनता करेगी ना, तो अकेले लड़िए जाइए। बिहार रे परिवार भीतर भी परिवार अछि, जनता दल खाली नेता दल नुहे, एथिरे परिवार बाद मध्य चेर जमाइ सारिछि। तेणु पप्पू यादव असंतुष्ट अछन्ति। तांको असंतोषर कारण हला लालू उत्तराधिकारी भावे निज पुओं को देखुछन्ति किंतु सळां को भूली जाइछन्ति। उत्तर प्रदेश रे मध्य सेई समान चित्र, सेठी मुलायम को परे तांको पुओ मुख्यमंत्री होई परन्ति किंतु आउ केही नुहे, जार अर्थ हला क्षमतार बैटन मध्य संपत्ति भळी बाप ठारु पुओ को हस्तांतरित होउछि। तेणु परिवारवाद को बहुतबा जनता परिवार सदस्य माने केते दिन एकाठी रहिबे ता मध्य गोटे बड़ कथा। बड़ खबर एई समय छै, आउ गोटे ब्रेक रो।
ब्रेक पर देखिबा केमिति भुवनेश्वर पाल्टी गलानी पलातक अपराधीक पई सेफ हेवन। ब्रेक पर स्वागत। भुवनेश्वर आगुरु बिहार रु आसुथबा चोरा अस्त्र व्यापारींक पई परिचित थिला, किंतु तीन दिन भितरे दुई हाई प्रोफाइल अभियुक्तक गिरफ्तारी परे एबे लागिलाणी जे एई शहर अपराधीक गोपन बास पई जेमिति तयार होईचि। डेकन क्रॉनिकल उपाध्यक्ष ओ बद्री नारायण माझीक गिरफ्तारी परे एहा पुणि थरे प्रमाणित होईचि। भुवनेश्वर रु गिरफ हला बडनारायण माझी, झाड़खंड राज्यसभा निर्वाचन में घोड़ा बेपार अन्यतम अभियुक्त बड़नार। लेउस रोड सीबीआई रांची डिविजन ईओडब्ल्यू आज गिरफ्त कर गिरफ पर स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट में हाजर करा सीबीआई ट्रांजिट रिमांड रे अननेसेसरी। हम लोग तो सर्विस क्लास वाले लोग हैं, हम लोग को अननेसेसरीली हैरेसमेंट हो रहा है और इतना साल से जो हम लोग का मेरे फादर का रिटायरमेंट पैसा है उसको जो जब्त करके रखे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का पैसा बोल करके, अब हम लोग बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं। भुवनेश्वर पलटिछि अपराधीक भूस्वर्ग, बड़नारन और डेकन क्रॉनिकल उपाध्यक्ष पीके आयर को गिरफ्तारी पर यह पूर्णी प्रमाणित होइछि। ढिला सुरक्षा व्यवस्था अपराधीक सुहाउछि। 2008 रे उत्तर प्रदेश पप्पू यादव गैंग रो कुख्यात अपराधी ब्रजेश सिंह गिरफ्त होइतला भुवनेश्वर। 2012 आसाम अपराधी अमर ज्योति खलिता को गिरफ्त करा जायतला राजधानी। पश्चिमबंग पुलिस मोस्ट वांटेड तालिकार थिबा कादिर अहमद खान को मध्य पोखरीपुट अंचल गिरफ्त करा जायतला। कादिर नारे 30 रु अधिक हत्या मामला थिला बेले टीम इंडिया कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को भी देइथला से हत्या धमक। बहुत अपराधी आड़ास्थली बर्तन ओडिशा आश्रयस्थली पाल्टी ओडिशा पूरी में धरा पड़ती भुवनेश्वर में धरा पड़ती और निकट में भुवनेश्वर जो दुई दुईट घटना घटेगा झारखंड जन अपराधी आज धरा पड़ती जो डेकान क्रॉनिकल कथा जो घटना घटी एथेरे होटेल मालिक मैंने संपूर्ण रूपे दायी चीटा कमिशनरेट पुलिस गोटे चैलेंज और ये आईन को आहरी कड़ाकड़ी भाव में भुवनेश्वर लागू करा दरकार। समस्त जानते ओडिशा हूँ पीसफुल सेन्टर, यहाँ पीसफुल जगह तेना समस्ते चाहते ये सेल्टर ने यार एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पुलिस जहाँ रूटीन रही फेल्योर केवल से नुहे। मुंबई ब्लास्टर मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम ओहार किसी सहयोगी पासपोर्ट भुवनेश्वर ही इश्यू कर जना जाइतला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। एथर चलते पुणी थे फेरवा जनता परिवार मेंट खबर को। जनता परिवार एकाठी हेबो बीजेपी पे भल खबर नो, कारण यह मेंट द्वारा जदि निर्वाचन में कहार अधिक क्षति हेबो तबे से दल हूँ बीजेपी। तेणु बीजेपी नीतीश का नाम उपरे लालू को मोहर उपरे प्रतिक्रिया निश्चय गुरुत्वपूर्ण। आसन सुनिबा कौन कहते बीजेपी नेता। बिहार को बनाने का गठबंधन नहीं है, वो मर्जर कहाँ चला गया भाई? पहले तो विलय की बात थी, एक महीने में गठबंधन हो गया और गठबंधन के बाद लालू जी के कंधों पर नीतीश कुमार बिहार को बनाएंगे? ये बिहार को बनाने का गठबंधन नहीं है, ये अपनी साख बचाने की मजबूरी है। लालू जी नीतीश जी दोनों लोकसभा चुनाव में हार गए, नरेंद्र मोदी को रोकने का दम भरते थे, नीतीश जी रह गए 2 पर, लालू जी रह गए 4 पर, तो ये हताश हारे हुए मजबूर लोगों ने मजबूरी में गठबंधन किया है। जो मर्जर की बात हो रही है ये तो मर्जर से जर्जर की ओर है, ये तो मर्जर की बात कर रहे थे, एक झंडे के नीचे चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे और आज कह रहे हैं केवल अलायंस होगा, ये कह रहे थे विलय होगा, ये तो विलय से प्रलय की ओर जा रहे हैं। अभी तो कुछ महीने बाकी है चुनाव के लिए, देखिए अभी तो मर्जर से अलायंस तक आए हैं, अलायंस से कहां जाते हैं ये भी देखने की बात है। जिन लोगों का आपस में ही विश्वास नहीं है, अपने पर ही विश्वास नहीं है, उन पर बिहार की जनता कैसे विश्वास कर सकती है। बिहार निर्वाचन बीजेपी और मोदी को पाई हेबो एसिड टेस्ट, कारण मोदी सरकार को यह भितर गोटे वर्ष पूरी जाएगी। मोदी आच्छे दिन प्रतिश्रुति क्षमता को आसते से और दल कहते प्रतिश्रुति पूरण करू, तो बिहार निर्वाचन जमापड़ लोक कौन भाव, कारण हिंदी बेल्ट मोदी 2014 में पूर्ण विश्वास कर विश्वास भोट्र रूप नहीं आजेपी बिहार में एक रकम बाकी दल को सफा कर 2014 डर लालू और नीतीश को एकाठी कर 2014 एवं मोदी को मध्य डरा उठ, कारण जो आशा रखी बिहारवासी भोट देते से आशा पूरण करे से
କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବଳ ବିହାର ଭୋଟର ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ବିଜେପିକୁ ମେଣ୍ଟ ଡରାଉଥିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଡରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଲାଲୁ ଓ ନୀତିଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଲାଲୁ କୁର୍ବାନୀ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କଥା କହିଥିଲେ, ଇସାରା ଇସାରାରେ ସେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଉପରୁ ଦାବିଦାରୀ ହଟାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଲାଲୁଙ୍କୁ ଜହର ପି କୁର୍ବାନୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଏଇ ଗୀତ, ନମସ୍କାର। दिल मेरा ईमान तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान, यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। Okay।